हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स बी द सेट विच कंटेनिंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन the set of one one and on two functions on x, जो हमारा ये सेट x है उस पर जब हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन लेंगे उनका जो सेट है, इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर the composition of mappings under the composition of mappings which is called the permutation group. It is called the permutation group. और इसको हम sometimes इसको हम symmetry group भी कहते हैं। इट इज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप। दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन एंड इट इज यहाँ पे आएगा, इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं डिग्री एन का, और जिसका ऑर्डर होता है एंड It is represented by Sn, इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Sn का ऑर्डर होता है, Sn का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ Sn, वो होता है n फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 1 है तो Sn जो है वो क्या होगा, 1 होगा उसका ऑर्डर। ऑर्डर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल बार से, यहाँ पे 1 आ जाएगा जब n की वैल्यू 1 है तो उस केस में S1 1 आएगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में S2 कितना आ जाएगा, वो 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 एलिमेंट्स आएंगे। और 3 के केस में, S3 के केस में कितने आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। S4 के केस में 24 आएंगे। S5 में 120 एलिमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन। तो ये जो है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप। तो इसको आपने समझना है। आगे हमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डिस्कस द सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं उनकी सिमेट्री को डिस्कस कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो परम्यूटेशन ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ थोड़ा सा, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्स सेट लेते हैं जिसमें हमने दो एलिमेंट्स लिए 1 और 2, तो इस केस में जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो कैसा होगा देखने में, उसका थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लेना है। आप ये देखिए कि इस केस में एक्स सेट है हमारे पास, उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो जब हमने मैप लेना है, क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप जो है सेट है किसका, वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस का, कहाँ पे, एक्स के ऊपर, मतलब एक्स से लेके एक्स तक ही जितने भी, फ्रॉम एक्स टू एक्स, दिस सेट इज एक्स, एक्स से लेके एक्स तक जितने वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस हैं उनका ये सेट होगा परम्यूटेशन ग्रुप। तो आप देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, इसको हम यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर सकते हैं, दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2, दिस इज एलिमेंट 1 एंड दिस इज एलिमेंट 2। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कैसे पॉसिबल होंगे। एक तो केस ये है, वन ऑफ द पॉसिबल केस ये है कि जब 1 1 पे गया और 2 2 पे गया, एक तो ये केस है, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, 2 ऑन 2 भी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये वाला फंक्शन। अगर ऐसा फंक्शन लेते हैं जो 1 को 1 पे भेजे, 2 को 2 पे भेजे, तो ये बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम कहते हैं, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी फंक्शन हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है। तो इस केस में इसको हम नाम दे देते हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी क्या करती है, वो 1 को 1 पे भेजती है और आइडेंटिटी 2 को 2 पे भेजती है।
एक तो फंक्शन ये आ गया आइडेंटिटी हमारे पास, दिस फंक्शन आइडेंटिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको पहले रिमूव करके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा फंक्शन कैसा पॉसिबल होगा आपको थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा कि जब वन जो है वो टू पे जाए और टू जो है वो वन पे जाए, तब भी हमारे पास वन वन एंड ऑन टू फंक्शन आएगा। और इस फंक्शन को अगर हम नाम दें, सपोज इसको नाम दें एफ से, तो एफ यहाँ पे क्या करता है, वन को टू पे भेजता है और टू को ये वन पे भेजता है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये दूसरा फंक्शन आ गया। इसको इन शॉर्ट लिखना हो, क्योंकि इन शॉर्ट एफ को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। इतना आपने डिटेल में नहीं जाना, आपके इसमें ज़रूरत नहीं है इतने डिटेल में जाने की, फिर भी आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, वन और टू, सेट लिया एक्स दो एलिमेंट्स का, तो उस केस में हमारे पास ये दो फंक्शन आएंगे, एक आइडेंटिटी, एक ये वन टू, ये बेसिकली परमुटेशन है जो एफ है यहाँ पे, इसको नोटेशन इस तरीके से देते हैं। तो एक आइडेंटिटी आ गया, इसको कैपिटल आई भी लिख देते हैं समटाइम्स, अगर नहीं आई लिखा स्मॉल आई लिखा तब भी कोई ऐसा, मान लीजिए एक आइडेंटिटी आ गया और दूसरा क्या आ गया एफ, एफ मतलब वन टू। तो ये दो फंक्शंस आए हैं जो कि इस सेट एक्स पे काम करते हैं, दोनों वन वन एंड ऑन टू हैं। इनका जो सेट है उसको मान लो हमने जी से रिप्रेजेंट किया, तो ये जो जी सेट है अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये एग्जांपल है, मतलब आपने समझना है इस तरीके से कि ये हमारे पास इस तरीके से परमुटेशन ग्रुप जो है वो हम डिफाइन करते हैं। जो सिमेट्रीज ऑफ ट्रायंगल है उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।